लुकिंग वेरी वेरी नाइस. यहाँ पे एक ब्रांड है, यहाँ पे एक ब्रांड है, लुई वुइटन जस्ट हमारे पीछे है. एक करोड़ के आसपास और वो सबसे छोटी रिंग थी. सेंकल पार्क के पास वाले एरिया में सारी इधर महंगी ब्रांड्स हैं. यहाँ पे बिलियनर्स वो भी है ना, वो लोग आके यही खरीदेंगे. यही खरीदेंगे. प्रीमियम स्टोर था, मतलब अगर आप एंटर करोगे ना आपको एकदम अलग. नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल. मेरा नाम है ऋतु. वेलकम बैक टू न्यूयॉर्क सिटी. और अभी मैं खड़ी हूँ 5th Avenue पे, और जहाँ पे मैं हूँ अभी वो 57th Street है. ये जगह दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग स्ट्रीट है. यहाँ पे लुई वुइटन, गुची, बुल्गारी, टिफनी एंड कंपनी, एप्पल, मतलब जो ब्रांड्स आपने सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे वो सारे होंगे. यहाँ बाय रेंट अराउंड $2,000 पर स्क्वायर फीट है, तो वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है. आज हम कुछ प्रीमियम स्टोर्स के अंदर जाएंगे. ऑफकोर्स शॉपिंग का बजट तो नहीं है, तो बस आज हम दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग स्ट्रीट घूमेंगे. आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे. लेट्स गो. अभी मैं आ चुकी हूँ 58th Street पे, जो कि है जिस सामने. और ये जो सामने है ये आइकॉनिक एप्पल स्टोर है, और ये 24 घंटे खुला होता है. उधर आप सीधा वॉक करोगे तो सीधा सेंट्रल पार्क आएगा, और ये है वो स्ट्रीट जिसकी मैं बात कर रही हूँ. और यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे अमेजिंग से ब्रांड्स हैं. यहाँ से शुरू होती है और ये सीधा, मतलब अगर आप चलते जाओगे तो सीधा ब्रांड पार्क आ जाएगा. तो बहुत ही लंबी स्ट्रीट है, और आज मैं आपको कुछ एक्सपेंसिव ब्रांड्स के अंदर लेके जाने वाली हूँ. नॉट श्योर शूटिंग कितना अलाउड होगा, बट वील गो एंड चेक आउट. असल में फील कुछ ऐसी है इस जगह की, और लुकिंग वेरी वेरी नाइस. यहाँ पे एक ब्रांड है, यहाँ पे एक ब्रांड है, लुई वुइटन जस्ट हमारे पीछे है. बाय द वे द फील ऑफ द स्ट्रीट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. मतलब अभी हम जाने वाले हैं लुई वुइटन के अंदर, जो कि है ये काफ़ी प्रीमियम स्टोर है. उधर बुल्गारी कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बुल्गारी ये भी समवट वैसे ही है कि मतलब टूरिस्ट आके देख के जाते हैं. लोग खरीदते भी होंगे सामान, बट टूरिस्ट भी आते हैं जो सिर्फ देखने आते हैं, हमारे जैसे लोग. चलो अभी चेकआउट करते हैं. एंड वी आर बैक फ्रॉम लुई वुइटन. ऑफकोर्स अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम था. मतलब मैं पहले भी गई हूँ एलवी के स्टोर में, याद है हैरिट्स में गए थे लंदन में, बट ये वाली की तो फील ही बहुत ज़्यादा अलग थी. आई थिंक लंदन वाला हैरिट्स वाला भी सिमिलर था. हैरिट्स में जो एलवी के स्टोर्स वगैरह थे उसी की जैसी थी, बट मुझे लगा ये ज़्यादा प्रीमियम है. ये ज़्यादा एक्सक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव क्योंकि बड़ा भी था ना, और आज ज़्यादा चीज़ों पे प्राइस नहीं लिखे थे, मेड टू ऑर्डर या फिर कुछ और उस पे लिखा, क्या लिखा हुआ था, हाँ अवेलेबल फॉर ऑर्डर का लिखा हुआ था. कुछ कुछ चीज़ों पे प्राइस लिखे हुए थे, वो भी ऐसे अंदर खोल के देखना पड़ता है. $3,500 के 2-4 पर्स हमने देखे, जो कि अराउंड 2-2.5 लाख रुपये पर पर्स, और वो मैं स्लिंग की बात कर रही हूँ. और एलवी का एक पेटेंट है वो ऐसे पोलका डॉट वाला, वो भी मेरे को काफ़ी सही लगा. यहाँ पे लगा हुआ है. हाँ अरे हाँ, ओ माई गॉड, ये एलवी का बाय द वे पेटेंट है, ये वाला जो प्रिंट है. और काफ़ी प्रीमियम स्टोर था, मतलब अगर आप एंटर करोगे ना आपको फील एकदम अलग आ जाएगी, तो वो बहुत सही था. अभी हम चाहेंगे टिफनी एंड कंपनी के अंदर भी जाके देखते हैं, ज्वेलरी स्टोर के अंदर. हाँ देख सकते हैं, टिफनी एंड कंपनी में तो आई एम प्रीटी श्योर अलाउ नहीं करेंगे. टिफनी एंड कंपनी का स्टोरी ये मैंने जो पढ़ा है कि ये वाला स्टोर निक जोनस ने जब प्रियंका चोपड़ा के लिए रिंग खरीदनी थी तो पूरा बंद कर दिया था, और फिर उसने रिंग ढूंढी थी. अच्छा, उसने अपना पूरा स्टोर बुक करा लिया था. बंदे लोग बंदे बंदे. We are out from Tiffany and Company, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बड़े मज़े आए. और हम लोगों ने एक रिंग देखी जो सबसे छोटी रिंग थी, और मैंने मुझे पसंद आई थी वो, कितने की थी, 120K की थी, जो कि होता है अराउंड 1 करोड़ के आसपास. और वो सबसे छोटी रिंग थी, मतलब वो 4 में सबसे छोटी रिंग थी, स्क्वायर कट मुझे काफ़ी सही लगी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. और अच्छी चीज़ कि हमारे ऊपर किसी ने झपट्टा नहीं मारा आते कि तुम्हें क्या चाहिए,
सो हमने बड़े मज़े किए, बहुत अच्छे से घूमे। थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे रिंग का सेक्शन है तो वो देखा, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी कूल, वेरी अमेजिंग। तो वो बहुत सही था। और यहाँ पता लगता ना किसके पास कितने पैसे हैं, यहाँ पे सब सब एक जैसे दिखते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। पैसे वो नहीं करता कोई कि भाई कि तुम अमीर नहीं दिख रहे, तुम्हें भाव नहीं दिख रहे। अरे तू जा रही है, थोड़ा होता है हाँ, बट इतना ज्यादा नहीं होता। मतलब अगर तुम ऐसे पूछोगे, अगर थोड़ा भी दिखाओगे तुम्हें खरीदना है, तो फिर वो थोड़ा वो एंटरटेन कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग खर्चा भी कर देते हैं। अंशा कैसे शादी वादी के लिए रिंग खरीदते हैं ना, इंडिया में भी करते हैं, ज्वेलरी करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारी चीज होती है, इंडिया एक ही चीज होती है रिंग। हाँ एक्चुअली, तो उसी में सारा वैसा खर्चा कर देते हैं। बट आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मतलब काफी अमेजिंग सा स्टोर था। मैंने कुछ बी रोल्स बनाए थे, वो आप ऑफ कोर्स देखोगे। मैंने मतलब जब आप अंदर एंटर करोगे ना, काफी प्रीमियम था, मतलब निक जोनस ने पूरा बंद कर दिया था। ये ज्यादा नहीं हो गया? हाँ सही में, अरे 6-7 फ्लोर का है ये। हाँ और अपेरेंटली निक जोनस ने बता रही है पूरा पूरा स्टोर बंद कर दिया था, करा लिया था बेसिकली चेक करने के लिए वो रहेगा। और अभी हम लोग ट्रम्प टावर के अंदर जा रहे हैं, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, काफ़ी लंबी बिल्डिंग है। और अभी हम जाके चेकआउट करते हैं, कभी गए नहीं हम लोग, तो यहाँ पे ट्रम्प टावर है तो अभी हम उसके अंदर जा रहे हैं। बट बाय द वे यहाँ पे सामने गुची है, एबरक्रॉम्बी एंड फिच है, प्राडा है और बाकी ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे। और आई गेस यहाँ पे सब एक्सपेंसिव नहीं है, देर आर ब्रांड्स लाइक यूनिक्लो विच आर बजट फ्रेंडली, नाइकी विच इज ओके, एबरक्रॉम्बी है विच इज लाइक नॉट टू एक्सपेंसिव। या तो मतलब ऐसे नॉर्मल अच्छी ब्रांड्स भी हैं और लाइक लग्जरी ब्रांड्स तो हैं ही, तो वो सब है। आई थिंक जो जितना वो सेंट्रल पार्क के पास वाले एरिया में सारी इधर महंगी ब्रांड्स हैं, यहाँ पे बिलियनर्स वो भी है ना, वो लोग आके यही खरीदेंगे, यही खरीदेंगे। और उधर पीछे जाके ग्रैंड सेंकल के आसपास जाके ज़ारा भी है, ज़ारा, नाइकी, ये सब चीजें आती रहती है। मैंगो तो यही है, मैंगो यहाँ पे आई थिंक वो है मैंगो, ठीक है। एंड बाय द वे फील ऑफ दिस, अभी फील ऑफ द प्लेस इज आल्सो वेरी नाइस, मतलब हसल बसल काफी ज्यादा है। अभी आई गेस हम ट्रम्प टावर जाते हैं, एंड मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, कभी गई नहीं, तो जाके देखते हैं। वी आर इनसाइड ट्रम्प टावर राइट नाउ, और ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स हैं और वहाँ पे लिखा है प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड जे ट्रम्प, तो ये जगह है आई थिंक। यहाँ पे सामने ये सारा जो एरिया है वो बहुत सही लॉबी है, और नीचे आई गेस कुछ तो रेस्टोरेंट हैं। और ट्रम्प टावर का जो इनसाइड व्यू है वो कुछ ऐसा है, लुकिंग वेरी वेरी नाइस। वहाँ पे ट्रम्प की ऑफकोर्स वो कैब्स और वो सब मिल रहे हैं, और लोग ना या तो ट्रम्प के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं या फिर बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, तो यहाँ पे मतलब आई गेस वो सारा सुविनियर वगैरह मिल रहा है, तो वो काफ़ी सही है। नाइस, आई गेस ये पूरी सुविनियर शॉप है, वो काफ़ी सही है। और काफ़ी एक्सपेंसिव होटल टाइप फील आ रही है ना प्रशांत इस जगह की, आई थिंक ऊपर होटल ही है या फिर कुछ तो है, आई एम नॉट रियली श्योर। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कैफे है, कुछ वो सब चीज़ें हैं। मुझे वाला एरिया बहुत अच्छा लगा, वो फ्लैग्स वाला एरिया। हमें न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे सामने ट्रम्प भाई साहब दिखे, और ये यहाँ पे आई गेस ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग इनके साथ फोटो खिंचाने आते हैं। ट्रम्प टावर के बिल्कुल नीचे मिलता है आपको, तो बहुत सही है। तो फील देख के पता नहीं लग रहा है ये इतनी एक्सपेंसिव जगह है, और यहाँ के रेंट्स बहुत ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी में आपको पता भी नहीं लगता कौन सी स्ट्रीट पहेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन जोन भी रहता है क्योंकि काफ़ी पुरानी जगह है। बट हाँ ऐसे देख के नहीं पता लग रहा ना कि ये महंगी जगह है, पैसा ही पैसा होगा, पर स्ट्रीट देख के पता नहीं लग रहा। हाँ बट अगर आप थोड़ा भी इधर उधर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये एक्सपेंसिव जगह है। और इस जगह पे आई गेस काफी ज्यादा चर्च भी है, तो यहाँ पे एक ये चर्च है और एक चर्च, आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल सी इट, द वन इन द ब्राउन कलर, वो चर्च है। एंड आई गेस एक और चर्च है बिल्कुल रॉकफेलर सेंटर के सामने, तो वो भी है। एज ऑफ नाउ वी गोना गो इन कोच। कोच इज़ अ प्रीमियम, इट्स नॉट अ लग्जरी प्रीमियम। अब मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया, तो प्रीमियम मतलब जैसे MK यहाँ पे बाय US स्टैंडर्ड MK और कोच को यहाँ पे प्रीमियम बोलते हैं, LV, गुची और इन सबको लग्जरी प्रीमियम बोलते हैं। पहले मुझे ये प्रीमियम और लग्जरी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट हाँ आई गेस ऐसा होता है। एज ऑफ नाउ हम लोग यहाँ जाते हैं, यूनिक्लो है एंड उसके आगे नाइकी का फ्लैगशिप स्टोर है। आई गेस 5 फ्लोर नाइकी के हैं उसमें, तो वो काफ़ी सही है। पहले यहाँ जाते हैं फिर वहाँ चलेंगे। और ये स्टोर की फील बहुत सही है अगर वो कोच के अंदर है, और या दिस इज सच अ यूनिक कॉन्सेप्ट। ऊपर बैग्स हैं, यहाँ पे ड्रेसेस हैं, और यहाँ पे फर्स्ट क्लोथ्स हैं, और ये ऐसे मूव हो रहे हैं, तो वो काफ़ी सही है। एंड बाय द वे
दिस इज कोच, यहाँ पे ये लग्जरी ब्रांड्स के जो अंदर वाला फील होता है वो थोड़ा प्रीमियम होता है. आप एलवी के अंदर जाओगे थोड़ा और प्रीमियम दिखेगा. बट या ये भी काफी कूल लग रहा है, ये बैग से बना हुआ है, वेरी वेरी नाइस. हाँ वेरी नाइस, काफी सही लग रहा है. और ये यहाँ पे बैग्स वगैरह हैं, थोड़े बहुत दिखाती हूँ. कोच के ये वाले जो बैग्स हैं ये $400 के हैं और एलवी में एग्जैक्टली सेम, मतलब ऑफ कोर्स सेम साइज और सेम हाइट के अराउंड 4000 के थे, 3500 के थे. तो इवन दो इट्स एक्सपेंसिव, तो ये प्रीमियम है $400, मतलब अराउंड 30,000 रुपए के आसपास, बट वहाँ पे 2.5-3 लाख के होते हैं. तो ये है कोच, वो है एलवी. बट हाँ, इसका भी फील काफी ज्यादा प्रीमियम है और काफी सही लग रहा है ये स्टोर भी. अभी चलते हैं, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और सही था, मतलब एक्सपीरियंस हमारा कोच में बहुत बढ़िया था. इधर आते जा रहे हैं तो दुकानें थोड़ी सस्ती होती जा रही है, मतलब $4,000 से सीधा $400. हाँ, यहाँ पे जो बैग था मतलब छोटा बैग $400 का, बड़ा वाला 600-700 का, तो एक जीरो का फर्क आ गया पूरा. हाँ. और मतलब सही, एलवी में मतलब एलवी वाज वेरी एक्सपेंसिव, गुची वाज एक्सपेंसिव, कोच वाज ओके, इट इज स्टिल एक्सपेंसिव, बट अगर कंपेयर करो तो काफी अंतर है पैसों में. तो बेसिकली कोच इज लाइक मर्सिडीज और दैट इज लाइक पोर्शा, पोर्शा और या जैगुआर समथिंग लाइक दैट. और अभी हम लोग जा रहे हैं नाइकी. नाइकी एकदम मुझे देसी दुकान लगती है यहाँ वाली, मतलब ये भी फ्लैगशिप स्टोर है तो काफी बड़ा स्टोर है वो भी. सो वी आर इनसाइड द नाइकी स्टोर राइट नाउ और काफी बड़ा स्टोर लग रहा है, काफी प्रीमियम फील है और साइज में भी बड़ा है. ऊपर 5 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पे अलग अलग चीज मिलती है. तो आई गेस फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन दिस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी बिग. न्यूयॉर्क सिटी में मेन जगह पे इतना बड़ा स्टोर है, बट वो ब्रांड नाइकी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. अभी हम लोग लिफ्ट से ऊपर जाएंगे. 5th फ्लोर पे फॉर यू है, तो मतलब आप कस्टमाइजेशन करा सकते हो. 4th फ्लोर पे आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर आपको जूते वूते खरीदने हैं तो वो सब 4th फ्लोर पे जूते हैं. आई गेस सेकेंड और 3rd फ्लोर पे एक मेंस का सेक्शन है, वुमेंस का सेक्शन है, तो वो सब है. बट हाँ, फील काफ़ी प्रीमियम है पूरे स्टोर की और बहुत सही लग रहा है. अभी आई गेस हम लोग 4th और 5th फ्लोर पे जाते हैं सीधा, थक गए हैं थोड़ा तो लिफ्ट से चलेंगे. बट हाँ, मतलब या देखने में मतलब बहुत सही है, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, ऐसे बाय द फील काफ़ी प्रीमियम लग रहा है. अभी ऊपर चलते हैं. सो वी आर इनसाइड द वुमेन सेक्शन राइट नाउ और यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत बहुत सारी वैरायटी है. सीन ऐसा होता है, आपको जो भी जूता चाहिए उसको पसंद करो और फिर आप ऑनलाइन मतलब ऐप के थ्रू जो भी आपको जूता चाहिए वो मंगवा सकते हो, फिर वहाँ पे आपका पिकअप हो जाएगा, मतलब आप वहाँ से पिकअप कर सकते हो. और वैरायटी काफ़ी सारी है, बहुत ही अमेजिंग से लग रहे हैं. साइजेस कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते, डिपेंडिंग ऑन आपका साइज़ एग्जैक्टली कितना ज़्यादा है. ये वाला आई गेस मेंस का सेक्शन है, उधर वो वुमेंस का सेक्शन है और ये मैं हूँ. तो अभी हम आ चुके हैं फॉर यू सेक्शन में और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये जो दिख रहा है आपको, इसमें अलग अलग प्रिंट्स हैं, लेसेस हैं और ये जो भी सामने है इसमें से कोई भी प्रिंट आपको अगर अपने किसी भी कपड़े पे जो आप यहाँ से खरीदोगे उस पर लगवाना है तो वो लग जाएगा. तो जैसे मान लो ये प्लेन पजामा है और इसमें आप चाहते हो कुछ भी लगे तो वो आप लगवा सकते हो. तो आई गेस जैसे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है तो ये सब हो जाता है. तो जस्ट डू इट, या फिर कुछ भी आपको लगवाना है, ये सब टैटूज ये सब लग जाता है. आई थिंक ये जो सामने है लेसेस हैं, तो अगर आपको अपनी लेस कस्टमाइज कराने हैं वो भी हो जाता है. आई गेस दीज आर लाइक प्रिंटिंग मशीन और समथिंग, जिससे वो जो प्रिंट है ये जो सारा ये प्रिंट है वो आपके ड्रेस में आ जाएगा और फिर आपको वेट करना है, फिर आपको मिल जाएगा. एंड वी आर आउट और लग्जरी शॉपिंग तो नहीं, आइसक्रीम खरीदी हमने $5 की फ्रॉम दिस कार्ट. और यहाँ पे ऐसे आइसक्रीम ट्रक बहुत ज़्यादा होती है, कार्ट्स नहीं ट्रक बोलते हैं इनको. और पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, महंगी महंगी शॉप्स थी सारी और प्रीमियम क्वालिटी चीज़ें मिल रही थी एंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम था. बट अब भी हम लोग थक चुके हैं, ये आइसक्रीम निपटाते हैं. ये बिल्कुल जैसे मैगजीन लोग खाते थे ना बचपन में हम लोग, वैसी होती है. तो अब हम घर चलते हैं, पहले यहाँ से हमें पाथ के लिए एक सब्वे लेना पड़ेगा, फिर पाथ में जाएंगे. तो मिलते हैं बीच बीच में आपको. With this, the 5th avenue vlog comes to an end. I am hopeful आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया देखा होगा. अगर आपको vlog पसंद आया तो subscribe करना,
एप्पल स्टोर का मैंने जो व्लॉग है वो अलग से बना रखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 24 घंटे वो जो स्टोर है खुलता है और काफ़ी ज़्यादा विजिटेड स्टोर है एंड काफ़ी आइकॉनिक स्टोर है, तो अगर आप वो देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, प्लीज़ टेक केयर, टाटा।